بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. یہاں مجھ سے اکثر و بیشتر ایک سوال میرے سامنے آتا ہے رب تک پہنچنے کا آسان سا راستہ اور اس سے بھی زیادہ فریکوینسی سے جو فریکوینٹلی سوال آتا سامنے وہ یہ آتا ہے کہ وہ وظیفہ اور تسبیح بتا دیں جو جس سے رب تعالیٰ کے قریب جایا جائے. تو کہیں میں نے کالج کے زمانے میں جو کتابیں پڑھتا ہے انسان, تو ایک بڑے مشہور رائٹر ٹولسٹائے, ان کی لکھی ہوئی شارٹ سٹوریز میں سے دو چار روز پہلے ایک ٹی وی پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا, تو وہ کسی سوال کے جواب میں وہ یاد آ گئی مجھے. جن لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا ان کے لیے تو نئی نہیں یہ بات ہوگی, لیکن وہ بات ایسی ہے کہ اس کو دہرانا چاہوں گا باوجود اس کے کہ دو چار دن پہلے ہی کسی ٹی وی پروگرام پہ وہ آئی ہے. اس سے ایک چیز ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی, جو چیز میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ, اور شاید وہ اس انداز میں کہہ نہیں پاتا کہ کلیئرلی سمجھ میں آئے, اس شارٹ سٹوری سے سمجھ میں آ جائے گی. شارٹ سٹوری کچھ ایسی تھی کہ ایک ویران جزیرہ تھا کہیں جو جہازوں کے راستے سے ہٹ کے تھا. مشہور یہ ہو گیا کہ اس ویران جزیرے پر تین بہت پہنچے ہوئے بزرگ رہتی ہیں, ان سے اگر دعا کرائی جائے تو سارے کام ہو جاتے ہیں, بڑے صاحب علم ہے وہ. تو ایک شپ جا رہا تھا اس پر اپنے وقت کے ایک بڑے پادری بھی تھے جنہیں بشپ کا ٹائٹل ملا ہوا تھا. انہوں نے بھی جہاز میں وہ کہانی سنی کہ یہ ابھی جہاز ایک آدھ دن میں ایک جزیرے کے قریب سے گزرے گا, اور اس جزیرے میں یہ تین بڑے پہنچی ہوئے ہستیاں ہیں. تو پادری کو شوق ہوا کہ میں ملوں. اس نے جہاز کے کیپٹن سے بات کی کہ تھوڑا سا وہ ڈیٹور کرے اپنے کورس سے اور اس جزیرے کے قریب چلا جائے, تاکہ یہ جزیرے پر جا کر ان لوگوں سے مل سکیں. تو کیپٹن نے بتایا کہ وہ تو کورس جو ہے سیٹ کورس اس کا اس سے بہت فاصلے پر ہے. تو اس نے کہا کہ جو کوئی بھی کاسٹ ہے اس کی وہ میں پے کر دوں گا, تو تم جہاز اس جزیرے کے قریب لے جاؤ. تو کیپٹن جہاز کو لے گیا اور گہرے پانی میں لنگر انداز کیا. تو ایک چھوٹی کشتی میں پادری صاحب اس جزیرے پہ گئے. تو وہاں رہنے والے تینوں لوگوں نے دیکھ لیا کہ کوئی جہاز جزیرے کے قریب آ کے لنگر انداز ہوا ہے اور ایک کشتی وہاں سے اتاری گئی ہے. تو یہ ساحل پہ پہنچے. پادری صاحب کا انہوں نے استقبال کیا ساحل پر, اور انہیں
अपनी जो झोंपड़ी सी बनाई हुई थी शेल्टर, उसमें ले गए और जो कुछ उनके पास था दरख्तों से फल तोड़ के और उससे खातम दारात उन्होंने कर दी। पादरी ने उनसे पूछा कि तुम यहां फारिग रहते हो तो कोई इबादत भी करते हो या नहीं? तुमने कहा कि इबादत तो हमें आती नहीं है, इबादत क्या की जाए। उन्होंने कहा फिर करते क्या हो? कुछ भी नहीं, बस हर वक्त एक ही ख्याल रहता है कि या अल्लाह तू ऊपर बैठा है, हम इस जजीरे में फंसे हैं तो तुझ तक कैसे पहुंचे, हम तुझसे कैसे मुलाकात करें, बस ये दिल में ख्याल रहता है। तो पादरी ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम इबादत किया करो और सुबह के वक्त ये पढ़ा करो, ये तस्बीहां किया करो, दोपहर को ये तस्बीहां किया करो और रात को ये तस्बीहां किया करो, तो इंशाल्लाह रब तक जा पहुंचोगे। तो पादरी साहब ने उन्हें नसीहतें की, उन्हें तलकीन की इबादत की और ये तमाम तस्बीहां बता के, तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं क्योंकि जहाज को सेल करना है यहां से। तो पादरी साहब जाके जहाज पे सवार हो गए, तो जहाज चल दिया, समुद्र में सफर कर रहा था जहाज। रात हो गई, तो रात को कोई 1-2 बजे पादरी साहब अपने केबिन में कुछ घबराए, तो उन्होंने सोचा मैं खुले डेक पर जाता हूं, ताजा हवा मिलेगी। तो डेक पे आ गए, वहां लोग लेटे हुए थे जो थर्ड क्लास डेक के सफर करने वाले, तो इन्हें देखा सारी दुनिया सोई पड़ी है, ये रेलिंग के साथ लग के खड़े हो गए। तो अपने ख्याल में गुम थे, तो सडनली इन्होंने महसूस किया कि जहाज की पिछली जानेब उस घुप अंधेरे में रोशनी हल्की हल्की हो रही है। तो ये बड़े गौर से देखने लगे कि आधी रात का वक्त है, ये रोशनी कहां से आ रही है? तो रफ्तार रफ्तार रोशनी बढ़ने लगी। जब वो रोशनी चारों तरफ फैल गई तो इन्होंने देखा कि वो तीनों हजरात पानी की लहरों पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और रोशनी उनके जिस्म से फूट रही है। तो उन्होंने जहाज की साइड पर आकर पादरी को मुखातिब किया कि फादर, जो इबादत आप रब तक पहुंचने के लिए हमें बताए थे उसकी तरतीब हम भूल गए कि किस वक्त क्या पढ़ना था, तो वो जरा अगर दोबारा बता दें तो हम उसको पढ़ें और रब तक रसाई हो जाए हमारी। तो पादरी ने ये माजरा देखा, उनसे कहने लगा नहीं वो वही तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम कर रहे हो वही करते रहो। तो इधर उधर देखा कि लोग देख तो नहीं रहे कोई कि पादरी साहब का हशर क्या हो गया है। तो बात यह है कि वो अक्सर बेशतर मैं आपसे एक बात कहने की कोशिश किया करता हूं कि भाई इबादात और तस्बीहात से रब नहीं मिलता है, रब तो मिलता है जब सच्ची लगन हो जाए कि मुझे रब तक पहुंचना है, और रब के ख्याल में जब डूबे बंदा हर वक्त हर लम्हे उसी का ख्याल रहे और हर वक्त यही बेचैनी रहे कि मैं रब तक जा पहुंचूं, तो रब तक जा पहुंचता है बंदा। तो ये तस्बीहात इबादात इस नियत से कि मैं रब तक जा पहुंचूं काम नहीं कर पाएंगी। हाँ, जो अल्लाह ने हम पर इबादात फर्ज की हैं वो फर्ज इबादात हमें करनी चाहिए, वो हम पे फर्ज है, उसकी पुजगिच होगी और अल्लाह के हजूर जवाबदेही से बचने के लिए जरूरी यह है कि हम अपना वो फर्ज पूरा करें और रब को पुकारते रहें। वो जो फर्ज इबादात हैं उसके अलावा जो नफली इबादात हैं वो
फिर रब की मोहब्बत में डूब के की जाए, उसी का ख्याल दिल में बसाया जाए, और उसके साथ साथ जो बहुत ही आम चीज है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी की जाए। क्योंकि अगर हम पैरवी नहीं करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की, तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे हम। आप तस्बीहात और वज़ाइफ से दूर रहिए, जोर इस पे दीजिए कि हम रब ताला ने जो हम पे फर्ज की है इबादत वो करें, और बाकी उसकी मोहब्बत में उसके ख्याल में महव रहें, और इस सारे प्रोसेस में ये ख्याल रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तर्क नहीं फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है। हमारे डिपेंडेंट्स के लिए हम अल्लाह को जवाब दे हैं। अगर इस प्रोसेस में हमारे डिपेंडेंट इग्नोर हो जाते हैं, फर्ज इबादत कीजिए, अगर इग्नोर होते हैं तो भी फर्ज इबादत कर लीजिए, लेकिन ये नफली इबादत है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं कि हमारे डिपेंडेंट्स हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई, जो डिपेंडेंट हैं उसके लिए हम आंसरेबल हैं अल्लाह को, और नफली इबादत के लिए फर्ज को नहीं छोड़ा जा सकता, ये याद रखिएगा। वो फर्ज हमें पूरे करने हैं। लास्ट टाइम मैं एक अर्ज कर रहा था या बात अल्लाह का जो इसमें ग्रामी है, इसमें उसना है या बात नो, एक और रब ताला का नाम मुबारक है, और जनाब हज़रत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, इसका वर्द बहुत कसरत से करते थे, वो है या मुस्तानो। इसका जिक्र बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बड़ी कसरत से किया है। इसी तरह खुद मेरे मुर्शिद साहब, ये अगर जो उन्होंने कभी बताया नहीं लेकिन खुद उसका मुझे इल्म हो गया था, वो बहुत कसरत से जिक्र करते थे सुभान अल्लाह का। लेकिन बात वही है कि अगर सिर्फ जुबान से पढ़ा या मुस्तान हो तो बात बनेगी नहीं। अगर उसकी मोहब्बत में डूब के उसे या मस्तानों के नाम से पुकारा तो फिर कुर्बत नसीब हो जाती है। एक साहब ने लिखा है कि आपने अपने एक लेक्चर में फरमाया था कि रूह इंसानी की तख्लीक के वक्त रब ताला ने अपने नूर में से एक हिस्सा लिया। तो मेरा सवाल ये है कि रब ताला ना तो किसी का बाप है ना बेटा, तो फिर क्या कोई उसकी पैदा की हुई मखलूक उसका हिस्सा हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे?
हम अगर एक आदत अपना लें तो इससे हमें बहुत से फायदे होंगे कि हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, अगर हम उसे बहुत गौर से पढ़ें और सुने और उस पर गौर करें फिर, लेकिन गौर करते वक्त हम फिक्स्ड नोशंस के साथ ना गौर करें उसको, पहले से एक ख्याल कायम हम कर लें कि इसको इस ख्याल पर परखना है मुझे। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम कभी भी ना तो कुछ फर्दर सीख पाएंगे ना अपनी रिसर्च कर सकेंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड नोशंस होते हैं हमारे वो हमें किसी चीज को उसकी असलियत के मुताबिक देखने नहीं देंगे। उसको हर चीज को फिर हम अपने ही नजर से, नुक्ता नजर से देखेंगे, तो वो खासी हमारे लिए डिसेप्टिव हो जाती है चीज। अब ये जो कुछ मैंने अर्ज किया इसमें ऐसा है कि अगरचे कोई अच्छी चीज नहीं है कि इंसान दुनियावी मसालों को ले अल्लाह के मामले में, ये काबिले कोई ये कमेंडेबल चीज नहीं है, लेकिन बाजू का जरूरी हो जाता है कि समझाने के लिए दुनियावी मिसाल को ले लिया जाए। अगर फर्ज कीजिए कि कोई शख्स किसी को अपना एक गुर्दा दे दे, डोनेट कर दे, तो उससे क्या वो शख्स जिसके जिस्म में उस आदमी का गुर्दा लगाया जाएगा वो क्या उसका हिस्सा हो जाएगा? तो अल्लाह का नूर तो लामतना ही है, या अगर एक समुंदर है उसमें से एक बाल्टी पानी की निकालकर कोई ले जाए तो वो इंसान उस समुंदर का हिस्सा तो नहीं हो जाएगा। ये है कि वो उससे मुस्तफीद हुआ है, उस समुंदर से, उस आदमी से उसे फायदा मिला है जिसका गुर्दा उसे, तो वो शुक्रगुजार उसे होना चाहिए कि इस आदमी ने अपना एक गुर्दा मुझे दिया, या उसे समुंदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे इसके पानी में से एक बाल्टी पानी की मिल गई, ना कि वो इसका हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो सूरह अखलास के एक हिस्से को कोट किया कि ना तो किसी का बाप है ना बेटा, वो रेलेवेंट नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि किसी का बाप होने के लिए जरूरी यह है कि उस शख्स ने उसके बतन से जन्म लिया हो। तो इसीलिए सूरह इखलास ये कहती है कि ना तो उसने किसी को जन्म दिया ना किसी ने उसको जन्म दिया, वो बड़ा क्लियर है उसको। तो ये नूर के हिस्से से आगे ये तो है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस परवरदिगार ने हमें तख्लीक किया, लेकिन वो बाप बेटे का ये बात वहां फिट नहीं आती। दूसरा सवाल भी इनका इसी से मुताल्लिक है कि अगर रूह इंसानी उसी की जात का हिस्सा है तो फिर वो इतनी गुनाहगार क्यों हो जाती है जबकि वो रब तआला की पाक जात का हिस्सा है, तो उसे पाक ही रहना चाहिए।
फिर क्या हम रूह इंसानी को उसकी जात का हिस्सा कहेंगे या फिर उसका हुक्म? बात यह है कि ये जो रूह की तखलीक के वक्त मैंने अर्ज किया था, अगर थोड़ा सा उसको गौर से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी बात के मैं क्या कर रहा था। बात यह है कि अगर कोई आदमी खाने काबा के फर्श से मिट्टी कलेक्ट करके और उसका बुत बना के उसकी पूजा करनी शुरू कर दे, उस मिट्टी से बुत बना ले, तो शिर्क तो शिर्क रहेगा। और अगर कोई ये कहे कि चूंकि ये मिट्टी खाना काबा के फर्श की मिट्टी है, इससे बना हुआ बुत शिर्क के जिम्मे में कैसे आएगा, इसकी तो नस्बत खाना काबा के साथ हो गई, वो दुरुस्त नहीं है। ये इसको पूरी आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक चीज है उसको तख्लीक किया गया है और उसके बाद उसको इख्तियारात दिए गए हैं, उसे आजाद कर दिया गया, वो इख्तियारात देके और उसके साथ साथ उसको ये वाज़े तौर पर बता दिया गया क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या चीज करने की है और क्या चीज नहीं करने की। अब उसके पास इख्तियार भी है कि किसी चीज को इख्तियार कर ले वो, और साथ ही तालीम दे दी गई है कि ये ना करना, ये बुरी बात है, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, ये करो ये अच्छी चीज है, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। तो बाद वो चीज अगर अपने उस इख्तियार को मिसयूज करती है, बल्कि इससे बेहतर लफ्ज होगा सरकशी करती है, और वो उन चीजों को इख्तियार नहीं करती जिसको करने का हुक्म दिया गया है, बल्कि वो काम करती है जिससे उसे मना किया गया, तो इसमें उसकी बेसिक फॉर्मेशन का कोई ताल्लुक नहीं आएगा। ये उसके इख्तियार के इस्तेमाल करने और उसकी अपनी चॉइस की बात है। इसीलिए सूरह 3 में रब ताला ने इंसान के बारे में ये फरमा दिया कि ये इंतहाई पस्ती को चला जाता, और उससे पहले ये कह दिया कि रब ताला की बेहतरीन तख्लीक है। अब इस पर अगर हम कोई सवाल उठा लें मुआज़ल्लाह कि रब ताला की बेहतरीन तख्लीक सूरह 3 में कही गई है, वो इंतहाई पस्ती में कैसे जा सकती है बेहतरीन तख्लीक रब ताला की? वो इसीलिए है कि सूरह के शुरू में बेहतरीन तख्लीक कहा गया और सूरह 3 ही के तकरीबन आखिर में, मैं तकरीबन कह रहा हूं, कह दिया गया कि ये इंतहाई पस्ती को चला जाता है इंसान। इख्तियार है वहां इंसान के पास कि कुछ भी इख्तियार कर ले, गुनाहों की तरफ चला जाए तो इंतहाई पस्ती को छू लेगा जाके, और अगर नेकी की तरफ जाएगा तो वो इंतहाई बुलंदी पर चला जाएगा कि फरिश्ते भी उसको सजदा करते हैं। किया है सजदा फरिश्तों ने इंसान को। इसका तो एक सवाल आप ये भी बना सकते हैं कि जिस तखलीक को फरिश्तों ने सजदा कर दिया, जो पाक है मासूम है, तो वो गुनाहगार कैसे हो सकता है? बात यह है कि इस मामले को पूरी उसकी बैकग्राउंड के साथ देखिए, टुकड़ों में देखेंगे
तो बिल्कुल गलत मिलेगी। जिस तरह से मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन फैसला भी आपको वक्त के बाद अगर उसे देखेंगे तो वो गलत दिखाई देगा, तब वक्त के आप उसे उस सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को दोबारा क्रिएट करके उस फैसले को न चेक करें। कॉन्टेक्स्ट से हटी हुई चीज हमेशा आपको गलत मिलेगी, क्योंकि कोई भी बात अपनी जगह पर उस वक्त दुरुस्त होती है जब वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए उसको। उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखेंगे तो गलत होगी, फिर आदमी मिसलीड हो जाता है उससे। पुरानी है, कौन सी है जो कह रहे थे आप? मैं आप हजरात से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाह रहा हूं, और इसका फायदा मिलेगा हम सबको। ये पुराणों में से निकल आया, 17 मार्च का है। हम उन सवालों में ना पड़े जो मुसलमानों में तफर्रका पैदा करती हैं, क्योंकि हमारे दरमियान तो तफर्रका वैसे ही बहुत ज्यादा है। हम एक दूसरे की टांग वैसी घसीटते रहते हैं। फकीर के यहां यही वजह है कि आपको हर मजहब और हर अकीदे के लोग मिलेंगे, और वो सबको एंटरटेन कर रहा होता है फकीर। फकीर तो इस दर्जे तक की भी एहतियात करते हैं कि अगर उनको ये महसूस हो जाए कि मेरे पास आने वाला आदमी फला मजहब से ताल्लुक रखता है, तो जब उसको कुछ पढ़ने को वो बताएंगे या उसके साथ बात करेंगे तो वो उसकी किताब से बात करेंगे। उसको पढ़ने को बताएंगे तो उसकी किताब से पढ़ने को बताएंगे, इसलिए कि रब ताला ने किसी की दिल आजारी से मना किया है। रब ताला ने लोगों के झूठे खुदा को झूठा कहने से मना किया कि वो तुम्हारे सच्चे रब को बुरा ना कहें, झूठा ना कहें। तो हम अपने ही मुसलमान भाइयों की, क्योंकि जिस मकतबा फिक्र के बारे में ये सवाल मुझसे किया है, वो कहीं डिक्लेयर नहीं हुए कि ये नॉन मुस्लिम है। हम अपने ही लोगों की दिलाजारी क्यों करें? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा वो पब्लिक होगा, उस मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, उस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की दिलाजारी होगी, तफरका फैलेगा। हमारा ये काम नहीं कि हम तफरका फैलाएं, इसलिए कि रब ने इससे मना किया है। हमारा काम तो ये है कि जहां तफरका है वहां लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आमतौर पर एक एतराज आ जाता है फकीर पर कि इनके पास आने वाले तमाम लोग चोर, डाकू, बदमाश, राशि, बदकार ये होते हैं, फकीर उनको मना नहीं करता अपने पास आने से। वो मना नहीं करेगा, क्योंकि एक बात बड़ी वाजे है कि हम अगर किसी
चोर को ये कहें कि तुम चोर हो तो वो हमसे दूर भाग जाएगा, हम उसकी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। किसी की इस्लाह करने के लिए जरूरी यह है कि वो हमारे करीब रहे। इसीलिए फकीर लोग, चोर डाकू बदमाश जो हैं, इनको सीने से लगाते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं क्योंकि उनको दूसरे लोग मोहब्बत नहीं देंगे। उनको मोहब्बत देके अपने करीब करके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी इस्लाह होती चली जाती है, सीधी राह पे आ जाती हैं। इसी तरह जो गैर मुस्लिम है, हम जब औलिया कराम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि एक बड़ी तादाद थी नॉन मुस्लिम्स की, काफरों की, उनके पास आने वालों की। उन्होंने उन सबको गले से लगाया, सीने से लगाया है, और इस अंदाज में उनसे पेश आए कि वो रफ्ता रफ्ता मुसलमान हो गए। जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने क्या किया, वो बैठे थे एक ऐसे इलाके में जहां बहुत ही रसूल अकीदा हिंदू फैनेटिक्स, उन हिंदुओं के दरमियान रह के उस मुखालफत के बावजूद तन तनहा बगैर किसी मॉडर्न फैसिलिटी के लाखों की तादाद में हिंदुओं को मुसलमान उन्होंने कर लिया। तो उनके पास कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ उनसे मोहब्बत से पेश आते थे, उन पर कभी उंगली नहीं उठाई। उनको ये नहीं कहा कि तुम काफिर हो, कुफ्र करते हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, बल्कि उसका जिक्र ही नहीं किया कि वो हैं क्या। तो मोहब्बत से अपने करीब किया, किरदार ऐसा था कि उससे मुतासिर हुए, हिंदू और मुसलमान होना शुरू हो गए। मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है, यहां जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है गुफ्तगू का, कोशिश यही की है कि कहीं जुबान से एक ऐसा लफ्ज न निकल जाए कि किसी की दिल आजारी हो जाए, किसी को दुख पहुंचे। मुझे अंदाजा है कि आप अपने सवाल का जवाब मिलने की बजाय जब इस किस्म की बात मुझसे सुनते हैं तो आप चिढ़ते हैं। क्या आप लेक्चर मत दिया कीजिए, सिर्फ सवाल का जवाब दे दिया कीजिए सीधा। लेकिन भाई, कल को मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं तमाम दुआ करने वाले हजरात से एक बात कहा करता हूं कि आप लोग दुआ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन एक बहुत भारी जिम्मेदारी है आप पर जिसको पूरा नहीं हम कर पाते। वो जिम्मेदारी यह है कि लोगों को अपनी तरफ मत बुलाइए कि आओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, तुम्हारे काम हो जाएंगे। लोगों को रब की तरफ भेजिए कि मैं भी तुम जैसा रब का मोहताज बंदा हूं, मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए कर सकता, क्योंकि तमाम कुवतें रब ही के पास हैं, वो करेगा। तो सबको रब की तरफ रजू करने को कहिए। वो और बात है कि जो सही दुआ करने वाला आदमी है वो अपने पास आने वाले को तो यही कहेगा कि भाई मैंने भी रब के हुजूर दुआ करनी है तुम्हारे लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और ये दुआ तुम भी कर सकते हो। इतनी देर तुमने इंतजार किया मुझ तक आने के लिए, घर पे बैठ के रब के हुजूर दुआ कर लेते, वो तुम्हारी भी सुनता। उसको ये कह के वो दिल में दुआ कर देता है रब के हुजूर की, या अल्लाह तेरा ये बंदा है तो इस पे मेहरबानी फरमा, इसका काम ये कर दे, जिस काम से भी आया मेरे पास तू इस, अगर वो इसके हक में बेहतर है तो तू कर दे। लेकिन जुबान से वो दूसरे को यही कहता है।
तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी है जो आदमी इस तरह के गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता है उस पर भी ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि अगर उसके सामने कोई ऐसा सवाल आ गया है तो बजाय इसके कि उसका सीधा जवाब दे के जान छुड़ा ले, हर आदमी खुश के देखिए मैंने ये सवाल पूछा मुझे फौरन जवाब मिल गया, लेकिन वो आंसरेबल है अल्लाह को, सही बात इल्म की पहुंचा देनी चाहिए लोगों तक ताकि उस जवाबदेही से आदमी बच जाए। इसको फाड़ दें। एक और सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि हमारी क्या चीज है, सॉरी बीमारी क्या चीज है, क्या ये रब की तरफ से इंसान पर आजमाइश होती है या फिर ये हमारे गुनाहों का अंजाम होता है जो हम भुगत रहे होते हैं। एक बार जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बुखार में मुब्तला हो गए थे, बावजूद इलाज के वो बुखार उतर नहीं रहा था। जब बहुत रोज हो गए और तकलीफ बहुत थी जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी नहीं जा रही, दुआ करें कि बीमारी मेरी खत्म हो जाए। जवाब क्या आया कि अबू बकर क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुनाह दुनिया ही में धुल जाए। ये जो इससे हमें पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है। जब हम बीमार होते हैं तो ये एक तरह से आजमाइश भी होती है हमारी कि हम उस तकलीफ में रब ताला के शुक्रगुजार रहते हैं और अपनी इस बात पर कायम रहते हैं कि जो कुछ भी है वो रब की तरफ से है और हमारा रब हमारा सबसे बड़ा वेलविशर है और जो कुछ करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, उसका हर फैसला हमारी बेहतरी के लिए है। तो हमें रब ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि अगर ये बीमारी आई है तो ये बीमारी भी रब ही की पैदा करता है और रब ही इसका इससे शिफा अता फरमाएगा हमें। हम बड़े सब्र से उस बीमारी से गुजरते हैं और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब तुम बीमार हो तो अपना इलाज कराओ, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं। लेकिन हम हाय हाय नहीं करते फिरते, इसलिए कि फिर वो रब ताला पर भरोसे के खिलाफ है वो बात। तो हमारा तो ईमान ये है कि बीमारी भी रब ही ने पैदा की है, उसका इलाज भी रब ने पैदा किया, इसलिए कि उसका अपना फरमान है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज न पैदा किया हो। और ये भी हमारा ईमान है कि शिफा देने वाला रब है।
तो जब शिफा देने वाला रब है तो फिर मुझे अपने रब से ही रजू रखना चाहिए कि या अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दिला और मुझे शिफाए कामिल अता फरमा दे। इसको ये तो हम समझें कि ये एक टेस्ट आ गया हमारे रब पर भरोसे और सब्र का। हम जनाब हजरत अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों भूल जाते हैं? जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनको क्यों भूल जाते हैं कि जख्म में जो कीड़े पड़ गए थे उस जख्म से गिरने वाले कीड़े को उठा के वापस जख्म पर रख देते थे कि ये मेरे रब की तरफ से है। तो वो तो सब्र अय्यूब था, यकीनी बात है कि हम वहां तक तो जा नहीं सकते, लेकिन ये तो जरूर है कि हम बीमारी को बहुत सब्र से और खामोशी से बर्दाश्त कर जाएं और रब ताला से दुआ करते रहें कि या बारी ताला तो शिफा देने वाला है, बीमारी से मुझे निजात दिला दे, मुझे शिफा अता फरमा दे, तो इंशाल्लाह उससे बीमारी से निजात मिल जाएगी। ये जिन का सवाल है, अगर इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दें तो मैं नेक्स्ट संडे जवाब दे दूंगा। मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा। तो ये सवाल ये था कि किस हद तक इंसान अपनी सेंसेस यूज कर सकता है? अगर बहुत ज्यादती हो रही हो तो इंसान खामोश रहे या कुछ जवाब दे? ओह अच्छा, बराह करम रहनुमाई फरमा दें। ये फिर जनाब हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैं कोट कर दूंगा। एक महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए थे, सहाबा किराम भी थे। एक शख्स आया और आके जनाब हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ही नाजेब अल्फाज कहने लगा। जनाब हजरत अबूबकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। साहबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। वो शख्स काफी देर बोलता रहा जो कुछ उसने अर्जा सराई करनी थी। एक पॉइंट पर जाकर जनाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पलट के उसे जवाब दे दिया। तो जो ही जनाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल से उठकर चले गए। नेक्स्ट डे सहाबा की मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल वो आदमी आया और हम सबको पता है कि वो नाजायज तौर पर आप हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो गुफ्तगू कर रहा था। वो जो कुछ मुंह में आया कहता रहा, हजरत अबूबकर सिद्दीक खामोश रहे और आप मुस्कुराते रहे। जो ही जनाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को जवाब देना शुरू किया, आप महफिल से तशरीफ ले गए, इसमें क्या मसलहत थी? तो फरमाया कि जब वो शख्स आया और आके जनाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नाजेब अल्फाज कहने शुरू किए और हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, तो रब ताला ने एक फरिश्ता मामूर कर दिया जो जनाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बिहाफ पर
उस आदमी को जवाब दे रहा था। लेकिन जो ही हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने खुद जवाब देना शुरू किया तो उस फरिश्ते को हटा लिया गया। तो मैं यूं उठ के चला गया था। तो इस बात से एक चीज तो हम पे वाजे हो जाती है कि अगर कोई शख्स हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और पलट के हम उसे जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसका उसके साथ मामला रब के साथ चला जाता है और रब उसको खुद सॉर्ट आउट कर लेता है। मेरा जाती जिंदगी का तजर्बा भी यही है। अल्लाह का ये करम है कि मैंने पलट कर किसी को जवाब कभी नहीं दिया आज तक, इसलिए कि वो सुन्नत है, सुन्नत की पैरवी में ये होता है। लेकिन रब ताला खुद सॉर्ट आउट करता है ऐसे लोगों को, होता रहता है। तो मेरे क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मेरी राय ये होगी कि कोई कुछ ही आपको कह दे, कुछ भी करता रहे, सुन्नत पे अमल कीजिए, खामोश रहिए और आप चंद दिन में ही पता चल जाएगा कि रब ताला उस आदमी को कैसे सॉर्ट आउट कर रहा है। और वो वक्त है जहां फिर इम्तहान आएगा हमारा कि हम खुश ना हों कि उस आदमी के साथ ये हो रहा है, या लोगों से ये ना कहें कि देखा इसने मेरे साथ ये किया था, इसके साथ ये हो गया, बल्कि उसके लिए अल्लाह के हजूर दुआ फरमा दें कि या अल्लाह मैंने इसे माफ किया तू भी इसे माफ फरमा दे। उससे आपका अजर कई गुना बढ़ जाएगा और आप पे रहमतों की बारिश हो जाएगी। ये इसमें एहतियात रखिए कि जब ऐसा आदमी जो आपसे ज्यादती कर रहा है वो खुद फंसे तो कभी खुश नहीं होइए, बल्कि उसका दर्द दिल में महसूस कीजिए और सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ कर दें कि या अल्लाह मैंने इसे माफ किया, तू भी इसे माफ फरमा और इस पे रहम कर दे, आप पर रहमतों की बारिश हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।